आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मुंबई में एटीएम में लगी बैटरी की चोरी करने वाले 3 लोगों को मलाड पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां उन लोगों को 8 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मलाड पश्चिम एसपी रोड बाटा शोरूम के बगल में कोटक महिंद्रा का एटीएम है। पिछले दिनों बिजली बैकअप के लिए लगाई गई बैटरी इस एटीएम से चोरी हो गई थी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों को तलाश कर रही थी। आखिरकार चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अशोक विश्वकर्मा और रमेश शंकर दुबे चोरी करते थे और लोकेश पटेल के यहाँ लाकर बेच देते थे। इन लोगों ने अभी तक 10 से 15 एटीएम से बैटरी की चोरी की है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मालाड पुलिस स्टेशन के अंदर महेंद्र कोटक बैंक का एक एटीएम सेंटर एसवी रोड बाटा शोरूम के पास में है। वो यहाँ तारीख 19 नवंबर 2021 को चोरी हुई थी। उसमें जो एटीएम सेंटर को लाइट जाने के बाद में भी शुरू रहने के लिए बैकअप बैटरी रहती है, तो वो पीछे की साइड में रहती है, तो उसकी चोरी हुई थी। उसमें 8 बैटरीज एक्साइड कंपनी का चोरी हुआ था। तो उसके बारे में जैसे ही हमको खबर मिली तो हमें कंप्लेंट मिलने के बाद में शिकायत दर्ज की इधर यहाँ और तहकीकात शुरू की। तो हमारे डिटेक्शन ब्रांच के सब इंस्पेक्टर बंसोड़े और उनके स्टाफ जो है उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ ये लोग रिक्शा से आए थे ऐसा पता चला था, और रिक्शा ये काम करने के बाद में जाते समय ये दोनों अलग अलग दिशा से गए थे। तो वही एक हमारे पास इनपुट था, तो उसके हिसाब से हमने ये इनपुट अपने टेक्निकल या कुछ टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के तहत डेवलप किया। और उसके बाद में पहले एक आरोपी जो है अशोक विश्वकर्मा, जिसको हमने गोरेगांव से अरेस्ट किया था 4 तारीख को, तो उसने जब अरेस्ट किया तो दूसरे का नाम भी बताया और रिक्शा भी बताया। तो ये केस में हमने दोनों को अरेस्ट करने के बाद में जो हमारे यहाँ जो 8 एक्साइड की बैटरीज चोरी हुई थी वो रिकवर कर दी, और जिसने ये चोरी का माल लिया था उसको भी हमने अरेस्ट कर दिया है। लोकेश पटेल उसका नाम है और वो दहिसर का महालक्ष्मी मेटल की दुकान वो चला रहा है, तो उसको भी हमने अरेस्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा मालूम हुआ है कि उन्होंने यही गैंग ने कम से कम 8 से 10 जगह पर एटीएम सेंटर की बैटरीज की चोरी की हुई है। तो इसके बारे में हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, और जैसे हमें मालूम पड़ेगा बाकी पुलिस स्टेशन को हम हैंड ओवर करेंगे आरोपी को। आरोपी अभी 8 दिसंबर तक हमारी कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है। क्या इन लोगों ने एटीएम